वेलकम टू द पॉलिटी सीरीज ऑफ स्टडी IQ। आई एम अमित वरिधि किलोर। हमारी पॉलिटी की जो सीरीज है वो लेक्चर नंबर 73 पर पहुंच गई है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि कुछ क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हैं जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, उनको डिस्कस करती है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 330 से लेके 342 तक, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एंग्लो इंडियन से एसोसिएटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये डिस्कशन उसके बारे में है। जस्ट टू गेट दी लोकस वेयर वी आर डूइंग राइट नाउ, हम बेसिकली लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले जो दो यूनिट थी, एक थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की और एक थी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो लिमिटेड है, जो कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उनको हमने पूरा का पूरा कर लिया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज टेक्निकली बहुत ज्यादा है, बट हमारी लक्ष्मीकांत में 9-10 के करीब दी हुई है, वो हम सारी की सारी कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट की दो यूनिट है, पार्ट 9, जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल की जो कुछ और डायमेंशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक सर्विसेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और इत्यादि जो हैं, आज हम इसी के आखिरी चैप्टर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस पे है। ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड द गवर्नमेंट वाला जो चैप्टर है हमें नहीं करना, आप इसको छोड़ सकते हैं तैयारी करते वक्त। इसके अलावा एक और लास्ट में यूनिट बचती है, जिसको कहते हैं पार्ट 10th, यानी कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स। अब पॉलिटिकल डायनेमिक्स में जितने भी चैप्टर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं, पॉलिटी से रिलेटेड है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि जो आर्टिकल है, संविधान है, एंड देन द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि पूरे के पूरे देश की राज्य व्यवस्था से संबंधित होती है। तो जैसे कि वोटिंग बिहेवियर, कोएलिशन गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और गवर्नेंस से एसोसिएटेड है। इस वाली यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएटेड सिर्फ एक स्पेसिफिक चैप्टर है, इलेक्शंस, जिसमें हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है या डिस्कस करना पड़ता है। अभी हमारा लेक्चर नंबर 73 चल रहा है, वेयर वी विल बी डूइंग द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, एंड इन द लेक्चर नंबर 74 दिस लास्ट रिमेनिंग यूनिट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस, हम इसको कर देंगे। लेक्चर नंबर 75 में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ बेसिकली यू शुड स्टडी, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इंडियन पॉलिटी को लक्ष्मीकांत के द्वारा करने की। तो लेक्चर नंबर 75 को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, इट विल गिव यू एन ओवरव्यू कि पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत की जो ये बुक है इसको कैसे करना है। ये बात आप जानते भी होंगे, आपको मैंने पहले भी बताई है कि लक्ष्मीकांत एज ए बुक, बिकॉज पॉलिटी और जो गवर्नेंस है वो हमारे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सिलेबस में आता ही आता है। ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे भी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, GK एज ए टॉपिक है, एज ए सेक्शन है हमारे एग्जाम के अंदर, उसके अंदर पॉलिटी इन्वॉल्व है, उसके अंदर पॉलिटी हमेशा होता है, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। लक्ष्मीकांत इज अ मोर देन सफिशियंट बुक परटेनिंग टू दैट। अगर लक्ष्मीकांत को अच्छी तरह से, मिनिमम एडवाइजेबल है कि 3 से 5 बार अगर इस किताब को अच्छी तरह से एक साल के अंदर रिवाइज करके पढ़ लिया जाए और बड़े सारे से MCQ प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो जो ये सेक्शन है ये 80-90% की एफिशिएंसी से प्रिपेयर किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 73। 74 में इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और 75th विच विल एक्चुअली क्लोज द होल पॉलिटी सीरीज फॉर अस, वो हमें कंप्लीट करा देगी पूरी की पूरी सीरीज को, जिसमें हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटी को आखिर उसकी अप्रोच, इस किताब को पढ़ा कैसे जाए, रिवाइज कैसे किया। बट याद रखिए कि मेन फोकस यह है कि किताब पढ़ना का उतना पर्पस नहीं है, जितना यह कि पढ़ने के बाद, उसके बाद अगर आप जब तक MCQ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि इसी किताब के पीछे दी हुए है, दो आप किसी जनरल बुक को भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं और से टेस्ट सीरीज उठाए उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। अब स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए क्यों गए हैं? स्पेशल प्रोविजंस हमेशा इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कुछ स्पेशल केस होते हैं। अगर हम एक स्कूल की बात करें, अगर एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं, देर वुड बी सम स्टूडेंट्स जो कि ऐसी सिचुएशन पे होंगे, जो कि डिसएडवांटेजियस होंगे, जो कि वीक होंगे, जिनको अगर टीचर स्पेशल हेल्प ना करे तो वो कभी भी अपनी पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड सिमिलरली अगर हम एक सोसाइटी की बात करें, एक देश की बात करें, कंट्री की बात करें, दिल ऑलवेज बी एट पर्टिकुलर लेवल कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे डिसएडवांटेज पर होते हैं जहां से बाहर आना कभी भी इम्पॉसिबल होता है। इमेजिन अबाउट पॉवर्टी, जो गरीबी होती है। पॉवर्टी इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। इट्स बेसिकली लाइक अ सिकनेस विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर गवर्नमेंट हाथ उठाकर, अगर सोसाइटी हाथ उठाकर उनकी मदद नहीं करेगी तो वो साइक्लिकल पॉवर्टी में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने थे वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर थे, और जो ये स्पेशल प्रोविजंस हैं ये स्पेसिफिकली उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली जो स्पेशल प्रोविजंस हैं इस उद्देश्य से बनाए थे कि इक्वैलिटी और जो जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है इसको पाने के लिए, इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी को थोड़ा सा ज़्यादा समर्थन करें या ज़्यादा सपोर्ट करें। इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर तीन भाई है तो तीन भाई में से एक भाई हो सकता है तेज हो, स्मार्ट हो, एक को शायद थोड़ी सी मदद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। इक्वैलिटी तभी अचीव होगी। अब इक्वैलिटी का ये मतलब कभी भी नहीं होता है, और किसी ने ऐसा कहा भी नहीं है कि देश के सारे लोगों को एग्जैक्टली इक्वल कर दो और सबको इक्वली पैसे दे दो, इक्वल घर दे दो, सबको सेम। सेमनेस इज नॉट इक्वैलिटी। इक्वैलिटी का मतलब होता है कि बेसिकली इट्स अ मॉरल कॉन्सेप्ट। मॉरल कॉन्सेप्ट का मतलब कि सबको मौका बराबर का मिलना चाहिए। उसके बाद जो प्राइवेट अगर अपनी मेरिट के ऊपर कुछ लोग एक्स्ट्रा पा सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में उसको तो रिवार्ड करती है गवर्नमेंट और सोसाइटी। अब ये स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए एंड एंग्लो इंडियंस के लिए। इंडिया वॉज बींग रूल्ड बाई द ब्रिटिशर्स फ्रॉम 200 ईयर्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत छोटा सा, बड़ा ही माइनर सा एक सेक्शन के लोग थे जो कि एंग्लो इंडियंस थे। अब मोर और लेस वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुके हैं। तो एंग्लो इंडियन से रिलेटेड जो भी स्पेशल प्रोविजन्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिडंडेंट है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है इंडीड, और जो कि कंसिस्टेंट एग्जाम का भी फोकस है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से संबंधित है। अब जो ये प्रोविजन्स हैं ये हमारे 16th पार्ट 16th में आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342A तक है। इन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मैं एडवाइस करूंगा कि आप बुक से एक बार डायरेक्टली, जो हमारी हार्ड टेक्स्ट है, बेयर टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे एक बार पढ़ ले, उससे थोड़ी सी ज्यादा आसानी रहेगी। बाकी आर्टिकल्स जरूरी नहीं है कि आप पढ़े, पर इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, आप जानते हैं कि एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स जो विधानसभा है और लोकसभा है दोनों में रिजर्व्ड है, दोनों में रिजर्व रखी जाती है। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, सर्विसेज और पोस्ट में रिजर्वेशन, एजुकेशनल ग्रांट्स, नेशनल कमीशन की अपॉइंटमेंट, जो कि हमने एक अलग से चैप्टर में किया था। एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता है, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब होता है, और एक नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज होता है। ये तीनों के तीनों जो है ये हमने अलग अलग एक लेक्चर्स में किए थे, बिकॉज ऑल थ्री आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाली यूनिट में हम कर चुके हैं। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अगर किसी चीज के लिए प्रेजिडेंट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स जो एरिया होते हैं, शेड्यूल एरियाज जो होते हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए, उनकी मदद के लिए कुछ एडवाइस चाहिए होती है, तो उसके लिए कमीशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस भी बिठाए जा सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो हमारे लिए रेलिवेंट है आज के जो टॉपिक्स है हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये प्रोविजंस हैं, अगर हम इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन दें तो ये दो प्रकार के हैं। एक तो है परमानेंट और टेम्प्रेरी। एज द नेम सेज, देर आर सर्टेन प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू एससी एसटी जो कि परमानेंट है, ठीक है, वो परमानेंट है, वो हमेशा रहेंगे। एंड देन देर आर सर्टेन जो कि टेम्प्रेरी हैं, एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म कर दिया जाए। उसके बाद है प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंट, यानी कि जिनका उद्देश्य है कि प्रोटेक्ट करे इन क्लासेस को फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, और कुछ का एम होता है जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके, ठीक है। ये दोनों के दोनों हैं अलग अलग। अब हमें इनके स्पेसिफिसिटी में, अगेन दिस इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडिया, डोंट वरी अबाउट इट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं करना है, बट जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल आइडिया कि जो ये स्पेशल प्रोविजंस है, एक तो परमानेंट और टेम्प्रेरी है, इजी टू अंडरस्टैंड। देर आर सर्टन विच विल बी परमानेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देर आर सर्टन विच आर टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी के बारे में आपको पता भी है कौन से वाले टेम्प्रेरी है। एंड देन देर आर प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल, ठीक है, कुछ लोग जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इनके अगेंस्ट किसी प्रकार का इनजस्टिस ना हो, और कुछ प्रमोट करते हैं कि ये डेवलप करें, राइट। कुछ तो पहले तो प्रोटेक्ट करना, दे आर सो वीक एंड सो डिसएडवांटेज्ड कि उनको प्रोटेक्ट करना सबसे पहला फर्स्ट रोल होता है। एंड बिकॉज दे आर सो वीक, बिकॉज दे आर सो डिसएडवांटेज्ड, उनकी डेवलपमेंटल के लिए प्रमोट भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों, एक पुश और एक पुल, दोनों के दोनों जो अप्रोचेज हैं ये इन स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा लगते हैं। अब देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्लासेज, हमने जब भी हमने इतने सारे से पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल
इन जनरल किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता है वेरी स्पेसिफिकली, राइट? माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है दो मेंशन करता है इस वर्ड को. अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है दो द वर्ड इज मेंशन. बट कुछ चीज़ें डिफाइन भी करता है, जैसे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 12 जो है वो स्टेट को, कि आर्टिकल सॉरी पार्ट 3 के अंदर स्टेट का मीनिंग क्या होगा, स्टेट की डेफिनेशन देता है. आर्टिकल 13 के अंदर लॉ, व्हाट इज अ लॉ, लॉ की डेफिनेशन देता है. जब ये दोनों वर्ड स्टेट और लॉ पार्ट 3 में यूज होंगे तो क्या मतलब होगा उसका, वो पहले खुद ही डेफिनेशन दे देता है. अब ये तीन वर्ड को ध्यान से सुनना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एमसीक्यू एससी और एसटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है, बट एंग्लो इंडियन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिफाइन किया गया है, जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एमसीक्यू. अब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट और ट्राइब विच आर टू बी कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट होगी और कौन सी कास्ट शेड्यूल ट्राइब होगी. ये जॉब है प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि कौन सी कास्ट को या कौन सी ट्राइब को हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एससी या एसटी की तरह डिक्लेयर किया जा सकता है. इसीलिए यूजुअली एससी और एसटी की जो लिस्ट होती है वो स्टेट और अलग अलग यूनियन टेरिटरी की बेसिकली डिफर करती है, बिकॉज प्रेसिडेंट डिसाइड्स इट. अब एक इंटरेस्टिंग बात जो कि एग्जाम के कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए सिंपल प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन लगता है. प्रेसिडेंट इश्यूज द नोटिफिकेशन After consulting the governor of the state concerned, ठीक है? So एक simple process अब आप जानेंगे कि अगर किसी caste को SC declare करना है, किसी caste को ST scheduled tribe declare करना है, तो how it will be done by a simple presidential notification. अब logically आप सोचेंगे कि अगर remove करना है, तो फिर president उसको वापस भी remove कर देगा उसी तरीके से. However, that's not how it works. But any inclusion or exclusion of any caste or tribe from presidential notification can be done only by parliament and not by. यानी कि अगर इंक्लूड करना है, किसी को डिक्लेयर करना है एससी एसटी, दैट इज डन बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन. बट वंस डिक्लेयर्ड, इट्स ओनली पार्लियामेंट कैन एक्चुअली रिमूव इट, उसको एक्सक्लूड वहां से बेसिकली पार्लियामेंट ही कर सकता है. प्रेसिडेंट हैव इशूड सेवरल ऑर्डर्स स्पेसिफाइंग द एससीज एंड एसटीज इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड दीज हैव ऑल्सो बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. चलिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दो बातें समझ गए. तो ये दो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि इन केस ऑफ स्टेट्स प्रेसिडेंट इश्यूज द नोटिफिकेशन फॉर बाय गवर्नर से कंसल्ट करेंगे और डिक्लेयर कर जाएंगे. बट हाँ, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब फ्रॉम प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, उस प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के अंदर से अगर कुछ इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है वो स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाएगा. अब अनलाइक इन द केस ऑफ एससी एंड एसटीज एंड ओबीसीज, कॉन्स्टिट्यूशन ने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, व्हाट हु इज एन एंग्लो इंडियन, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिफाइन किया गया है. बहुत रेयर होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज को डिफाइन करता है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करके रखिए. अब एंग्लो इंडियन एज अ टॉपिक इज रिडंडेंट टू इंडियन पॉलिटिक मोर ऑर लेस. इस पर ना कभी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ना कभी पूछे, पिछले कुछ दो तीन डेकेड में पूछे गए भी नहीं है. इट्स मोर ओर लेस एब्सोल्युटली रिडंडेंट कॉन्सेप्ट फॉर अस. फिर भी एक पल के लिए देख लेते हैं, ज़्यादा इस पर चिंता नहीं. एंग्लो इंडियन कौन होता है? हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोजिनेटर्स इन द मेल लाइन इज और वाज ऑफ यूरोपियन डिसेंट, but who is domiciled within the territory of India and is or was born within such territory of parents habitually resident and not established, blah 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 blah. कहने का मतलब है एंग्लो इंडियन वो होता है, ये 1950, ये 1950 की डेफिनेशन ही, अभी लेजिटिमेटली अभी अप्लाई नहीं होती है किसी के ऊपर भी. 1950 के समय में अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल इंडिया में डोमिसाइल्ड था जिसके जो फादर की जो प्रोजेनिटी है, जो फादर की जो मेल लाइन है, उसमें कोई भी एक अगर पीछे से यूरोपियन था, वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंट, तो उसको एंग्लो इंडियन मान लिया जाता था. ठीक है, एन एंग्लो इंडियन जिसके फादर या एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोजेनिटर्स इन द मेल लाइन. ठीक है, यानी अगर चाचा के रिलेशन में, चाचा की अगर हम हायरार्की में देखें और पीछे से कोई मेल, सिर्फ मेल लाइन में, इसमें फीमेल लाइन को नहीं कंसीडर किया जाता है, अगर कोई यूरोपियन था, कोई यूरोपियन डिसेंट से था, तो वो एंग्लो इंडियन था. ठीक है, अब बेसिकली अब इसमें कोई एग्जिस्ट, और वो अगर इंडिया में डोमिसाइल्ड है. हाउएवर दिस डेफिनेशन इज रिडंडेंट टू अस, डोंट वरी अबाउट इट. अब हम आ जाते हैं प्रोविजंस, बेसिकली करते क्या क्या है, स्पेशल प्रोविजंस है, कैसे कैसे प्रोविजंस दिए गए हैं. नथिंग,
यू नो ऑल ऑफ देम. रिजर्वेशन ऑफ एस सी एंड एस टी एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेचर. अब पहले ही बता देता हूँ कि जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है एंग्लो इंडियंस की लेजिस्लेचर्स पे, ये 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ख़त्म कर दी गई है. लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था. बिकॉज द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस इन इंडिया इज सो लेस कि उनको रिप्रेजेंटेशन कभी मिल नहीं सकती थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई थी थ्रू द वे ऑफ नॉमिनेशन. लोकसभा में प्रेजिडेंट दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे. अब वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है. 2019 में एक अमेंडमेंट की गई और वहाँ वो जो नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे वो भी ख़त्म हो गया है. अब बेसिकली इंडियन लोकसभा के अंदर कोई भी लोकसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड नहीं होता. ऐसा हो सकता है कि वो जो नॉर्मल जनरल सीट होती है लोकसभा की, 530 सीट जिनके ऊपर इलेक्शन होता है, उस पर कोई एंग्लो इंडियन लड़े और अगर वो जीत जाता है तो दैट इज़ वैलिड. लेकिन अब कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन पर्टेनिंग टू एंग्लो इंडियंस एग्जिस्ट नहीं करती है. हाँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन के रेशियो के ऊपर स्टेट्स के अंदर लोकसभा के अंदर क्या कहते हैं, अगर लोकसभा में करेंगे तो पूरे इंडिया में एससी और एसटी की जो पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शन में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेंगी एंड पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एससी और एसटी की क्या पॉपुलेशन है डिपेंडिंग ऑन दैट. तो एक एग्जांपल के तौर पर हमारे देश की जो प्रोपोर्शन पॉपुलेशन है, एसटी की पॉपुलेशन है 8% और एससी की पॉपुलेशन है 16%. सो अगर लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं और एसटी पॉपुलेशन 8% है और एससी पॉपुलेशन 16% है, तो इसी के प्रोपोर्शन में लोकसभा में उतनी ही सीटें रिजर्व्ड हैं. तो लोकसभा के अंदर 8% के हिसाब से 47 सीटें एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं और 16% के हिसाब से 84 अप्रॉक्सीमेटली, सो यानी 24% के करीब जो सीट्स हैं, 84 और 47, 131 सीट्स जो हैं वो एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं. 2019-20 तक दो एंग्लो इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जाता था. हावेवर ये जो प्रेजिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू दी लोकसभा, इस चीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है. सो दिस नाउ डजेंट एग्जिस्ट. अब और ये स्टेट पर भी है, स्टेट असेंबलीज में भी किया जा सकता था किसी स्टेट में जहां पे एंग्लो इंडियन की कोई पॉपुलेशन हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन ना हो स्टेट असेंबली में एंग्लो इंडियंस का, तो वहां पे गवर्नर एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे. अब कहीं पर भी नहीं है, ना लोकसभा के अंदर ना ही स्टेट असेंबली पर. एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये दोनों की दोनों चीज़ें नॉमिनेट कर दी हटा दी गई है. सो डिपेंडिंग ऑन दी लक्ष्मीकांत का जो क्या कहते हैं उसको एडिशन है उसके बेसिस पर अगर आपके में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ध्यान रखिएगा. ओरिजिनली अब आते हैं एससी और एसटी के कॉन्सेप्ट पे. ये जो दो प्रोविजंस हैं रिजर्वेशन के और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के, देवर टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स. जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो काफ़ी नाइवली ये इमेजिन किया गया था कि जो इक्वालिटी और जो जस्टिस के जो एम्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉबेबली विद इन 10 ईयर्स सम सब्सटेंशियल अचीवमेंट कुड बी डन इन दैट. हावेवर एज यू नो दैट इवन आफ्टर 70 ईयर्स हमारे देश में अभी भी अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रथाएं होती हैं जिनको लीगली 70 साल से अबॉलिश किया जा चुका है वो अभी भी प्रैक्टिस होती है. आज भी कास्टिज्म इंडियन सोसाइटी में बहुत ही डीप नसों में रगों में घुसा हुआ है. एंड हेंस वो जो नाइविटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एंड सम पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी ऑल्सो, अगेन सोली नॉट ड्यू टू दैट, ये जो प्रोविजन जो कि सिर्फ 10 साल के लिए थे इनकी ड्यूरेशन तब से लेके हमेशा 10-10 साल के लिए बढ़ाई जाती है. तो जैसे ही 1960 आए तो 59 में एक पार्लियामेंट पास करके इसी प्रोविजन को 10 साल के लिए बढ़ा देता है. फिर 90 जैसे ही आता है 2010 में ख़त्म होना था तो 2009 में पास कर देते हैं, 2020 में ख़त्म होना था तो 2019 में, ऐसे ऐसे पिछले 70 साल से ये बढ़ता चला जा रहा है. द थिंग्स एच विट इट स्टैंड्स फॉर इन नियर फ्यूचर, अभी ये इस समय कंटिन्यूएशन में ही रहेगा बिकॉज नाउ इट हैज प्रॉबेबली बिकम अ मैटर ऑफ राइट. और ड्यू टू द इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी उसका जाना इस समय थोड़ा मुश्किल भी है. दूसरा, अब हम एस सी एस टी के प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो उसके लिए एक कमीशन का गठन किया जाता है जिसको कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब. प्रेसिडेंट को ये नेशनल कमीशन बनाना है एससी के लिए ताकि जो भी
शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो भी सेफ गार्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ये आर्टिकल नंबर 338 में लिखा हुआ है। इसके अलावा एक 338A है जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, प्रेसिडेंट शुड ऑल्सो सेट अप नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, जो कि आर्टिकल नंबर 338A। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों के दोनों नेशनल कमीशंस हैं, दे बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बिकॉज दे हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी डिड इट इन द सीरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये दोनों के दोनों के अलग से लेक्चर्स हैं, यू शुड वॉच देम, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं और इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट, जो भी ये दोनों नेशनल कमीशंस होते हैं, इनके ऊपर जो रिपोर्ट, इनके ऊपर ये जो भी रिपोर्ट है ये प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट, like all the reports which he gets, submits it in front of the parliament. अब यहाँ पे prelims से related एक information ये है कि National Commission for Scheduled Caste के ऊपर एक extra है, they are required to discharge similar functions with regard to the Anglo-Indian community also. So, तीन commission है, National Commission for SC, ST and OBC. अब Anglo-Indian की population क्योंकि इतनी ज़्यादा minimal है, तो उनके लिए अलग से commission नहीं बनाया गया, तो जो पहला था SC शेड्यूल कास्ट वाला था, तो पसंद आया यही कि तुम ये एक्स्ट्रा काम करके दे देना लास्ट के आधे घंटे में, सीम्स लाइक दैट। ठीक है, चलिए, एंग्लो इंडियन इज एब्सोल्युटली मोर और लेस ए रिडंडेंट टॉपिक फॉर पॉलिटी, तो आप चिंता मत कीजिए उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले SC और ST के जो कमीशन थे वो कंबाइंड हुआ करता था, एक ही था नेशनल कमीशन फॉर SC ST। तभी आप देखिए कि एक अमेंडेड आर्टिकल है 338, मस्ट बी एडेड बाय एन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सी 89th अमेंडमेंट एक्ट के बना दिया। ठीक है, एक ये है। इसके अलावा अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ BC पे आ जाए, बैकवर्ड कास्ट के बारे में, पहले ये सबसे पहले 1993 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैकवर्ड कास्ट से एसोसिएटेड पार्लियामेंट नहीं, सॉरी कमीशन नहीं था, पार्लियामेंट बनाता है पहली बार, मतलब कि इट वॉज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये 102nd अमेंडमेंट ऑफ 2018 के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, मतलब कि वन ऑफ द वेरी रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट। अमेंडमेंट हुआ, इट एडिड अनदर आर्टिकल 338B, सो 338 उसके बाद ए एंड 330B, नेशनल कमीशन फॉर SC ST एंड BC। ये पहले एक हुआ करते थे, लेकिन फिर एक 89th अमेंडमेंट इन 2003 स्टार्टिंग से ही थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 2003 में बस इसको दो सेपरेट में बदल दिया गया, और जो नेशनल कमीशन फॉर बीसी है वो बेसिकली अभी अभी 2018 में ही उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, वेरी रीसेंट। अमेंडमेंट हुआ तो 338B एक नया आर्टिकल डाल दिया। तो प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बीसी बनाता है टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द बैकवर्ड कास्ट। द प्रेसिडेंट शुड प्लेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट along with the action taken memorandum, ये general process है, इसके बारे में सवाल नहीं बनता है, बस ये सोच पढ़ने की बात है repeatedly। इसी बात को अगर हम पूरी तरह से दोबारा से समझें, तो ये जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल dimensions हैं जिसके अंदर ये 67 वाला हमें चैप्टर नहीं करना है खास, यू कैन गिव इट वन और टू रीडिंग, ज़्यादा कोई उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम चारों के चारों कर चुके हैं। नेक्स्ट वन पे आने के बाद इलेक्शंस, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 674 करेंगे, हम इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशंस है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उससे एसोसिएटेड जो आर्टिकल्स हैं इलेक्शन से एसोसिएटेड वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वी विल डिस्कस इट इन लेक्चर नंबर 74। 75 में एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि हमारा पॉलिटी को अप्रोच कैसे किया जाए, लक्ष्मीकांत की प्रिपरेशन कैसी जाए, लक्ष्मीकांत को पढ़ा कैसे जाए, एंड आफ्टर दैट आई वुड होप कि ऑल दीज 75 लेक्चर्स शैल बी इनफ फॉर यू टू डू सेल्फ स्टडी ऑफ लक्ष्मीकांत एंड बी प्रिपेयर्ड प्रॉबली टू अ गुड एफिशिएंसी एज फार एज द पॉलिटी इज कंसर्न। मिलते हैं लेक्चर नंबर 74 में डिस्कसिंग इलेक्शंस। हैव अ नाइस डे।